हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार। मैं कॉर्पोरेटर रोहित चतुर्वेदी आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर। मैं न्यू दिल्ली द्वारका मूर ब्रांच से हूँ। जैसे कि इंजीनियर्स, आज हमारी सर्वे की थर्डली क्लास थी। आज इन लोगों का कंट्री लेवलिंग का क्लास था, तो कंट्री लेवलिंग कैसे करना है आज हम साइट पर आए हुए हैं और कंट्री लेवलिंग क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही साथ मेरी इंजीनियर जो कर रहे हैं पीछे, ये भी बताएंगे कैसे कंट्रोलिंग करते हैं और क्यों कर रहे हैं। इसमें होता क्या है पहले इसे मैं भी बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, जैसे हम किसी भी लैंड का सर्वे करते हैं तो उसमें हमें पहले उसका लेवल लेना पड़ता है। जैसे हमें उसके हर एक पॉइंट पर आरएल पता चलती है, जिससे हमें कटिंग फिलिंग का पता चलता है। एंड साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि अगर मुझे उस वर्क को कंप्लीट कराने में लिए कितनी मशीनरी मंगानी पड़ेंगी साइट पर। इस प्रोसेस को, इस लैंड सर्वे को बोलते हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग एक इमेजरी लाइन होता है जो दो पॉइंट को, एक एलिवेशन लेवल एंड एक रिड्यूस लेवल को ज्वाइन करता है। आइए हम अपने इंजीनियर से भी पूछते हैं और वो कैसे इसका परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कैसे इसका लेवल ले रहे हैं, आज इनसे हम जानकारी लेंगे, अपने इंजीनियर से भी पूछेंगे। सुनिए, देख रहे हैं आप कि जैसे कि हमारे इंजीनियर से जो लेवल ले रहे हैं और वहाँ पर जो हमारे इंजीनियर से मिस्टर सकीब जी वो स्टाफ दिखा रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं प्रोसेस लैंड स्टेप टू स्टेप इन्होंने कैसे कंटूरिंग कर रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, सारी जानकारी आपको हमारे इंजीनियर देंगे। सो अपन मिलते हैं सबसे पहले अपने इंजीनियर से, संजीत जी। संजीत जी थोड़ा आइए इधर, बताइए आप ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। थोड़ा पास लाइए सर कैमरा। सर आज हम कंटूरिंग कर रहे हैं रेज एंड फोल्ड मेथड से, ताकि हमें कटिंग और फिलिंग का पता चल सके किधर कटिंग होगी। ये जो आप जो लिख रहे हैं प्रोसेस, ये थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन करिए क्या चीज़ है। सर ये हमारा पहला बैक साइड पॉइंट है, ये बेंच मार्क हमें मिला है उधर से, हमने पहले बैक साइड पॉइंट लिया है। उसके बाद हमने ये हमारा आई एस इंटरमीडिएट पॉइंट, ये हमने इधर से स्टार्टिंग से लिया है। और फिर हमने तीन मीटर का चेनेज लिया है और हमने सारे लेवल वो ऑटो लेवल से सारे पॉइंट लिए हैं। उसके बाद हमने लास्ट वाला पॉइंट, हमारे पास पांच पॉइंट ले लिए, हमने लास्ट वाला पॉइंट लिया है 3 मीटर का चैनेज डिस्टेंस छोड़ के राइट तरफ में। उसके बाद हमने दोबारा 3 मीटर के चैनेज से पॉइंट लिए ऑटो लेवल से। तो इस तरीके आपके सारे पॉइंट निकला है ना। जी सर। जैसे इंजीनियर मैं भी आपको बता देता हूँ, ये इनका पूरा एक मैप था, मतलब एक छोटा सा लैंड था जिसमें कि मैंने इनको 15 मीटर दिया था। इन्होंने 3 मीटर के चैनेज के स्पेस से लेकर सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग जो ली थी इनकी बैक साइड रीडिंग आई थी। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग किया पॉइंट ए से, जिसमें आप इसमें दिख भी रहा होगा पॉइंट ए से इन्होंने स्टार्ट किया। तो इन्होंने इस तरीके से सारी जो रीडिंग पड़ी है, ये बीच में जो हो जाएंगी अभी हो जाएंगी आपकी आई एस रीडिंग, इंटरमीडिएट साइट रीडिंग। एंड इसके बाद इन्होंने क्या करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड के थ्रू, ये राइज एंड फॉल मेथड के थ्रू ये क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे इनको एक आरएल मिलेगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कितनी कटिंग कितनी फिलिंग वगैरह आ रही है। और ये भी पता चलेगा कि कटिंग फिलिंग के लिए मुझे कितनी मशीनरी वगैरह मंगानी पड़ेगी। तो आइए अपने और भी इंजीनियर से पूछते हैं, जैसे कि हमारे इंजीनियर से मिस्टर साजिद जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए और बताइए क्या कर रहे हैं अभी इस समय। मेरा नाम साजिद रहमान हुआ, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। मैं अभी कंट्रोलिंग लेवलिंग कर रहा हूँ। कंट्रोल लेवलिंग अभी चल रहा है आपका? यस सर। तो कंट्रोल लेवलिंग आपका क्या प्रोसेस है, आपको मतलब समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आ रहा है, 3-3 मीटर आगे हम लोग चल रहे हैं, उसका लेवलिंग कर रहे हैं इसको। चलिए अच्छा, आप बताइए थोड़ा सर। सर मैं अब्दुल मालिक, मैं यहाँ बिहार से आया हूँ, सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं अभी कंट्रोल लेवलिंग कर रहा हूँ। कंट्रोल लेवलिंग में हमने अभी बेंचमार्क लिया, बेंचमार्क से 3-3 मीटर पे हमने उसका रीडिंग लिया, स्टाफ खड़ा करके 3-3 मीटर पे जाके, फिर 3 मीटर के बाद फिर 3 मीटर इधर आगे को जाके, फिर से 3 मीटर पे रिटर्न आए, फिर 3 मीटर ऐसे जाना है। चलिए अच्छा, तो भी इसमें आप क्या करेंगे, फिर आरएल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, किस मेथड के थ्रू? आरएल निकालेंगे राइज एंड फॉल मेथड से। राइज एंड फॉल मेथड के थ्रू, सुनिए साहब देख रहे हैं, राइज एंड फॉल मेथड के थ्रू अभी आरएल निकालेंगे, जिसमें को हर एक पॉइंट पर आरएल मिलेंगे। एंड इन्होंने जो पिछले किया था वो फ्लाई लेवलिंग किया था, इसके बारे में जानते हैं। फ्लाई लेवलिंग के बारे में बताओ भाई, आपने फ्लाई लेवलिंग जो किया था उसमें क्या प्रोसेस था और क्यों करना पड़ा था? फ्लाई लेवलिंग क्या चीज़ होती है, आपने जो कल किया था कैसे? मेरा नाम दिनेश कुमार प्रजापति है, यूपी से है। जब किसी एरिया को उबड़ खाबड़ हो, जहाँ से एक बार स्टाफ सेट करने के बाद फिर रीडिंग दूसरी रीडिंग पढ़ना आसान ना हो, तो स्टाफ को चेंज करना होता है बार बार, तो उसे फ्लाई लेवलिंग कहते हैं। इनके कहने का मतलब है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम एक बार जब रीडिंग पढ़ लेते हैं दोबारा विजिबल नहीं होता है स्टाफ को, तो हमें हर बार स्टेशन को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये होता है मैक्सिमम जो हीलिंग एरिया होते हैं, तो उसके समय में एक फ्लाई लेवलिंग करना पड़ता है, जिसके हम HI मेथड के थ्रू उसका कैलकुलेशन करते हैं, RL उसके निकालते हैं, उसमें भी ये लेवल ट्रांसफर वगैरह करते हैं, जिससे हमें उसकी कटिंग फिलिंग का पता चलता है। सुनिए, इस तरीके से उन्होंने ये लेवल ट्रांसफर किया हुआ है, वो फ्लाई लेवलिंग किया हुआ है एंड कंट्रोल लेवलिंग किया हुआ है। अब इनका नेक्स्ट जो है वो उनका प्रोफाइल लेवलिंग होने वाला है, जिसमें रोड में प्रोफाइल लेवलिंग कैसे करते हैं उसमें भी कटिंग फिलिंग का पता चलता है, उसमें भी राइज एंड फॉल मेथड का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरीके से इनका लेवल कंप्लीट होता है। इनकी जो क्लास रहती है सर्वे की, टोटल 6-7 दिन की रहती है, जिसमें हाई एस्टीमेशन वगैरह सीखते हैं।
जिसमें ये हाईवे स्टेशन वगैरह सीखते हैं, जो कि इनको दो पेमेंट होते हैं जो कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, दोनों का एस्टिमेशन निकाला एंड दोनों का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ये सारी चीज़ें इसमें सीखते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें और भी कंटेंट कंप्लीट कराए जाते हैं, जैसे कि एस्टिमेशन हुआ, ऑटोकैड हुआ, बीबीएस हुआ, बिलिंग एंड क्वांटिटी सर्वे, डेटा एनालिसिस हुआ, इस तरीके से सारे कंटेंट कंप्लीट कराते हैं दो मंथ की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, दो मंथ की ट्रेनिंग में इस तरीके से सारे कंटेंट कंप्लीट कराए जाते हैं दो मंथ की ट्रेनिंग में। अगर आप भी इस तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं और इन इंजीनियर्स की तरह सीखना चाहते हैं तो आप भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मंथ 6 तारीख से स्टार्ट होता है, दो मंथ का ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 9111001234 पर आप कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो इंजीनियर्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।